जियो सिनेमा ने आखिरकार ये ट्वीट कर ही दिया कि मुकाबला सिर्फ एल्विश और फुकरा इंसान के बीच में है। जी हाँ, आपको बता दें कि लेटेस्ट बॉस मीटर को लेकर एक लेटेस्ट और बड़ी खबर लेकर हम आपके सामने आ गए हैं। इस हफ्ते बॉस मीटर में कौन जीतने वाला है? आपको बता दें कि बिग बॉस के घर के अंदर अब बॉस मीटर का आखिरी रिजल्ट आने वाला है और इस आखिरी रिजल्ट में को बहुत मायने दिए जा रहे हैं, क्योंकि जो इस बॉस मीटर में जीतेगा, खबरें ये आ रही हैं, बड़े चांसेस ये हैं कि वही बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 का विनर होगा, क्योंकि बॉस मीटर का रिजल्ट भी वोटिंग के आधार पर ही आता है। ऐसे में अब बॉस मीटर में कौन है आगे कौन है पीछे, चलिए आपको बताते हैं। लेकिन इससे पहले, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के निशान को जरूर दबा दें। आपको बता दें कि बॉस मीटर की रेस में टॉप 5 कंटेस्टेंट थे, लेकिन बीते दिन जियो सिनेमा ने एक ट्वीट कर दिया कि अब बॉस मीटर की लड़ाई सिर्फ और सिर्फ अभिषेक मल्हान और एल्विश यादव के बीच में है, क्योंकि बाकी के कंटेस्टेंट के काफी कम हैशटैग यूज किए जा रहे हैं। ऐसे में अब आपको बता दें कि खबरों की माने तो एल्विश यादव और फुकरा इंसान दोनों में से एल्विश काफी लीड से आगे चल रहे हैं। बॉस मीटर में एल्विश पहले नंबर पर चल रहे हैं और फुकरा इंसान दूसरे नंबर पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। बीते हफ्ते भी फुकरा इंसान और एल्विश यादव के बीच बॉस मीटर की लड़ाई देखने को मिली थी, लेकिन आपको बता दें कि फुकरा इंसान हार चुके थे और बिग बॉस के बॉस मीटर में एल्विश यादव ने पिछले हफ्ते बाजी मार ली थी और इस हफ्ते भी वैसा ही कुछ देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि यह आखिरी बॉस मीटर है और ये कोई और नहीं बल्कि एल्विश यादव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर एल्विश यादव इस हफ्ते का बॉस मीटर जीत लेते हैं तो इससे कहीं ना कहीं यह साफ हो जाएगा कि वोटिंग में एल्विश यादव अभिषेक मल्हान से काफ़ी आगे हैं और ये काफ़ी चांसेस बन जाएंगे कि एल्विश यादव जिस तरह से बॉस मीटर में जीत चुके हैं, उसी तरह एल्विश यादव बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 का फिनाले न जीत जाए। और अगर एल्विश बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 का फिनाले जीतते हैं तो बिग बॉस के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब एक वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट शो को जीत जाएगा। यहां पर आपको बता दें कि कुछ दिन पहले अभिषेक मल्हान ने बड़ी बात भी कही थी कि मैं वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट को विनर नहीं मानता हूं। मेरा यह मानना है कि वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट तो बीच में ही शो में आते हैं, उनकी कोई जर्नी ही नहीं होती। इसलिए अगर वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट शो जीतता है तो मैं उसे किसी भी तरह से विनर नहीं मानता। लेकिन अब आपको बता दें कि वोटिंग के आधार पर तो हर तरफ से हर जगह सिर्फ और सिर्फ एल्विश यादव ही विनर नजर आ रहे हैं। ऐसे में आप फुकरा को वोट कर रहे हैं या फिर एल्विश को? हमें कमेंट करें, ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।